नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको व्याकरण की दुनिया में। व्याकरण के कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्तियों को पढ़ने से पहले कुछ सुनाना चाहूँगी आपको। हिंदी में एक प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, क्या है सुनिए। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत है जह तह करते प्रकाश। हमने जो पंक्तियां अभी अभी सुनी, इन पंक्तियों में सबसे पहले वाली जो पंक्ति थी कि सूर सूर, हमारे पास एक ही पंक्ति में दो शब्द आ रहे हैं सूर सूर, तो यहाँ पर सूर सूर शब्द जो दिया हुआ है, इन शब्दों में चमत्कार है, इन शब्दों में क्या है, आकर्षणता है, अट्रैक्टिवनेस है। ठीक है, यही आकर्षण यही चमत्कार क्या कहलाता है, हमारा शब्द शक्ति कहलाता है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। हम पहले जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है शब्द शक्तियाँ। सबसे पहली बात तो हमें जानते हैं ये कि शब्द क्या होते हैं, जानते हैं आप? बिल्कुल हाँ, आप जानेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब मैंने इसे सार्थक क्यों कहा, क्योंकि निरर्थक शब्दों का हमारी हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। तो शब्दों में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, या यूं कहिए कवियों ने या रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया, यानी शब्दों के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य को, अपनी रचनाओं को आकर्षक बनाने का प्रयास किया। जैसे हम सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाकर के फेशियल करवाते हैं, आईब्रोज करवाते हैं, या तरह तरह के हेयर स्टाइल्स बनाते हैं। उसी प्रकार से कवियों ने, आचार्यों ने अपनी रचनाओं को अच्छा बताने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, उनमें चमत्कार आकर्षण उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयोग में किया, शब्द शक्तियों को प्रयोग में लाए। तो सबसे पहले शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ बताने की क्षमता रहती है, यही क्षमता साहित्य में शक्ति कहलाती है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है और वही अर्थ बताने की जो क्षमता होती है हमारी साहित्य की भाषा में क्या कहलाता है, वो शक्ति कहलाती है। ठीक है, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। यानी जिस माध्यम से हम उस शब्द का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ बातें हमें सुनते ही समझ में आ जाती है, कुछ बातें हम लक्षणों के आधार पर ग्रहण करते हैं, और कुछ शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, तो उन्हें अर्थ के माध्यम पर, यानी जिस माध्यम से हमें अर्थ समझ में आ रहा है, वही क्या कहलाता है, माध्यम हमारा शब्द शक्ति कहलाता है। अब जो हमारे आचार्य मम्मट हैं साहित्य में, काव्य शास्त्र के अंदर जो हमारे आचार्य मम्मट जी हैं, उन्होंने शब्द के तीन प्रकार बताए। क्या बताए, शब्द के तीन प्रकार बताए। पहला है वाचक शब्द, ठीक है, दूसरा है हमारा लक्षित शब्द, और तीसरा है व्यंग्य शब्द। अब ये होता क्या है, चलिए जानते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं वाचक शब्द क्या होते हैं। जब वक्ता द्वारा, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, सीधा सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। यानी कि जैसा बोला गया वैसा समझ में आया, तो वो कौन सा होता है, वाचक शब्द। कहने वाले व्यक्ति की बातें अगर आपको बोलते ही समझ में आ रही है, उसका कोई सी टेढ़ा मेढ़ा अर्थ नहीं है, उसने कहा और आपके तुरंत समझ में आ गया, वो क्या होता है, हमारा वाचक शब्द, वाचक अर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में जोर देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि हाँ विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा हमें समझ में आ गया। दूसरा है लक्षित शब्द, जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ उसके लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षित या लक्ष्यार्थ कहा जाता है। पहले वाले में क्या था, किसी ने कहा और आपके समझ में आ गया। दूसरे वाले में है लक्षित अर्थ, क्या होता है, किसी ने कुछ कहा और आपको सीधा अर्थ समझ में नहीं आया, आपने उसके लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया है। जैसे मैं राजस्थानी हूं, अब राजस्थानी हूं से संबंधित क्या है, या राजस्थान की संस्कृति से संबंध है, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का खान पान, राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का वातावरण, इससे यहाँ पर वर्णन, इससे यहाँ पर अर्थ लिया गया है।
तो ये नहीं कह रहा मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान प्रदेश का वासी है वो ये कहना चाह रहा है। जैसे आप और उदाहरण देखिए, कालू तो निरा गधा है। अब सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान जानवर कैसे हो सकता है? हम उसका अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण करेंगे, क्योंकि गधा जो है वो मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहां पर जो कालू नाम का व्यक्ति है, इसे मूर्खता के रूप में बताया गया कि कालू जो है वह गधे के जैसा मूर्ख है। तो यहाँ पर लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा लक्षित शब्द या लक्ष्यार्थ उसे कहा जाता है। तीसरा है हमारा आचार्य मम्मट के आधार पर हम ये पढ़ रहे हैं, तीसरा है व्यंग्य अर्थ, व्यंग्य शब्द, वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ ना तो वाच्यार्थ होता है ना ही लक्ष्यार्थ होता है। ना तो वो पढ़ते ही समझ में आ रहा है, ना तो वो हमें सुनते ही समझ में आ रहा है, और ना ही लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, बल्कि व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, व्यंग्यार्थ शब्द कहलाते हैं। क्या कहा? ना तो वो व्यंग्य, ना तो वो वाचक है, ना ही वो लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जा रहा है, बल्कि वो व्यंग्य के आधार पर ग्रहण किया जा रहा है। जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, शाम हो गई, तो संध्या हो गई का अर्थ यहाँ पर सब अपने अपने अनुसार लगाते हैं, कल्पना के आधार पर लगाते हैं। जैसे संध्या हो गई, घर में अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग हैं, तो वो क्या कहेंगे कि शाम होने का टाइम, शाम हो गई है, संध्या हो गई है, अब घर में अंदर जाने का टाइम हो गया है। जो ऑफिस वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ भाई अब घर जाने का टाइम हो गया है। घर पे बच्चे जो होंगे वो ये कहेंगे भाई हाँ अब खेलने का टाइम हो गया है, पढ़ाई लिखाई बंद करो और खेलने चलो, शाम संध्या हो गई है। कुछ लोग ये सोचते हैं, घर की जो महिलाएं हैं वो कहेंगी खाना बनाने का टाइम हो गया है, घर में जो बूढ़ी महिलाएं वो कहेंगी भाई दिया बत्ती का टाइम हो गया है। मतलब सबके लिए अपने अपने अर्थ यहाँ पर वो कल्पना के आधार पर ग्रहण कर रहे हैं। तो व्यंग्यार्थ क्या होता है? ना तो वो वाचक अर्थ होता है और ना ही वो लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, बल्कि व्यंग्य के आधार पर उसे ग्रहण किया जाता है। मतलब अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर हमें हमारे दिमाग पर जोर देना पड़ता है। ठीक है, वाचक वाच्यार्थ यह कौन सी होती है? हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। फिर लक्षक या लक्ष्यार्थ क्या होती है? हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजक या व्यंग्यार्थ क्या होता है? हमारा व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जब कोई बात हमें पढ़ते ही सुनते ही समझ में आ जाती है वो हमारी अभिधा होती है। जब किसी बात को समझने में हमें लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है वो हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और ना तो हमें वो अभिधा समझ में आ रही है, ना हमें लक्षणों के आधार पर समझ में आ रही है, वो हमारी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। आइए विस्तार से पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन से हैं शब्द शक्ति के भेद। सबसे पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनविधि लक्षणा शब्द शक्ति। फिर है व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति। वे शब्द जिनका अर्थ और भावार्थ समान हो, जिनका अर्थ और भावार्थ समान हो, वो हमारी क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। साधारण से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है कि जब हमें कोई चीज पढ़ते ही या सुनते ही समझ में आ जाती है वो हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है, यानी भावार्थ और अर्थ दोनों समान ही होता है उसका। वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही क्या कहा जाता है? अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अभिधा का संबंध एक ही शब्द से होता है, अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से है, उसका कोई और अन्य अर्थ नहीं निकलता, जैसा लिखा है वैसा ही उसका अर्थ होता है। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, फैक्ट है, हाँ है, जयपुर राजस्थान की ही राजधानी है। हमें इसमें किसी प्रकार का अन्य अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, हमें इसमें किसी प्रकार अपने दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जैसा लिखा है वैसा ही हमें समझ में आ रहा है, तो हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही इसका अर्थ समझने में, इसलिए क्या है? हमारी अभिधा शब्द शक्ति है। फिर किसान फसल काट रहा है, सिंपल सी बात है, फैक्ट है, किसान फसल काट रहा है, जो लिखा है हमें समझ में आ रहा है। आगे देखें, जैसे कुछ और उदाहरण देखिए,
गाय घास खाती है। सिंपल सी बात है, फैक्ट है ये चीज भी। प्रातः कालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बिल्कुल ये उदाहरण भी हमारा अभिधा शब्द शक्ति का है। मैं अपने लक्ष्य के लिए खूब मेहनत करूंगा, ये भी हमारा वही है। मोर जंगल में नाच रहा है और अर्जुन कुशल धनुर्धर थे। ये सारे उदाहरण जो है हमारे अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं, और अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण जो है हमें पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। अब जब हमें अभिधा के आधार पर अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा, अर्थात हमें बातें पढ़ते ही समझ में नहीं आ रही है, या वक्ता द्वारा कही गई जो बातें हैं उनका सीधा सिंपल साधारण सा अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे। और दिमाग पर थोड़ा जोर डाल करके हम उन शब्दों को लक्षण के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर उनका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, और वही शब्दों का अर्थ जो लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है वो हमारी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, जब किसी शब्द का अर्थ लोक प्रचलित अर्थ ना लेकर उसके लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, वह गधा है, आप वह गधा है, वह गधा से हमारे यहाँ पर क्या है, ये एक प्रतीक माना गया है। क्या प्रतीक माना गया है, लक्षण क्या है गधे का, मूर्खता का। तो जो मूर्ख होता है, जो व्यक्ति मतलब जड़ बुद्धि होता है, काम करने में जिसे आलस आता है, वो किसका प्रतीक माना जाता है, गधे का। तो गधे के लक्षणों के आधार पर उस व्यक्ति के लक्षणों को मिलाकर के हमने क्या दिमाग लगाया, हमने हमारे अनुसार क्या अर्थ निकाला कि वो व्यक्ति आलसी है, वह व्यक्ति मूर्ख है, गधे के जैसे। राजस्थान वीर है, अब राजस्थान प्रांत है, राज्य है हमारा, ठीक है, वो वीर कैसे हो सकता है, अर्थात राजस्थान में रहने वाले लोग वीर है, ठीक है। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, राजस्थान हमारी वीरों की जन्मभूमि मानी जाती है। यह ताजमहल कब पूरा होगा, हर जगह ताजमहल थोड़ी है भाई, और वहां जो ताजमहल आगरा में हमारा, वो तो हमारा कब का पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है कि कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है जिसको बनने में बहुत टाइम लग रहा है, जैसे ताजमहल को बनने में बहुत समय लगा था, ऐसे ही इस बिल्डिंग को, इस इमारत को बनाने में भी बहुत समय लग रहा है। इसलिए यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, क्या कहा गया है कि यह है ताजमहल का पूरा होगा, अर्थात इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो लक्षण के आधार पर यहाँ पर अर्थ ग्रहण किया गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने थे, दो। पहला है रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। अब रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, देखिए, जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी अर्थात लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है या उसके आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो हमारी रूढ़ी लक्षणा कहलाती है। आपने शब्दों के प्रकार जब पढ़े थे तो उनमें हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या लोक प्रचलित अर्थ जिनका होता है। तो वही रूढ़ शब्द हमारे कौन से इसके अंदर आते हैं, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि हमारे लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर बहुत आयत यानी ज्यादातर मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है शेर, पंजाब शेर है, पंजाब राज्य है वो शेर नहीं हो सकता, बल्कि उसमें रहने वाले जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो नागरिक है, वो शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह वीर है, साहस से भरे हुए। वह हवा से बातें कर रहा है, अब हवा से बातें करना मुहावरा है, हवा से बातें करना यानी आसमान में उड़ना, ऊंची ऊंची डींगे हाँकना। भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कमर कसली, अब ये कमर कसना भी क्या है, हमारा मुहावरा है। तो सीधी सिंपल सी बात है, यदि किसी उदाहरण को देख करके आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, और अगर आपको उस पंक्तियों में कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति मिलती है तो उसको आप सीधा सीधा करें कि ये रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है।
जिस पंक्तियों में हम मुहावरा या लोकोक्तियां मिल गई वो हमारी कौन सी शब्द शक्ति हो गई? सबसे पहली बात तो लक्षणा है, और लक्षणा में भी कौन सी है? रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। अब यहाँ पर पंजाब शेर है का मतलब क्या है? पंजाब शेर की तरह या पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं वो शेर की तरह पराक्रमी, वीर और साहस है। फिर वह हवा से बातें कर रहा है, यानी वह आसमान में उड़ रहा है, यानी बहुत तेज स्पीड में, बहुत ज्यादा गति में चलना या गाड़ी चलाना या जैसा भी है वो। भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कमर कस ली, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है, यानी पूरी तरीके से वो तैयार है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए। ये थी हमारी रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। बढ़ते हैं आगे, कुछ और उदाहरण देखिए इसका। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब हरिश्चंद्र यहाँ पर किस चीज की निशानी है? हरिश्चंद्र जी यहाँ पर सत्यवादिता की पहचान है, यानी वो हमेशा सत्य बोलते थे, यानी जो व्यक्ति सत्य बोलता है हमेशा, उसके लिए यहाँ पर ये काम में लिया गया है कि वह तो बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, यानी हमेशा तुम तो हमेशा सच ही बोलते हो। आइए गांधी जी, जैसे गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया था, ऐसे ही कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पर संबोधन यूज में लिया है, संबोधन प्रयोग में लिया है कि आइए गांधी जी, फिर तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब आंखें खोलना भी क्या है? मुहावरा है ना। आंखें खोलना यानी सत्यता से, वास्तविकता से पहचान करवाना। इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, पराजय यानी हार। अब इंग्लैंड की थोड़ी हुई है, इंग्लैंड की टीम की हुई है। राजस्थान अभी संपूर्ण साक्षर नहीं हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के साक्षर होने से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों से, राजस्थान की जनता से। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना। वहां लाठियां चल रही हैं। अब लाठियां निर्जीव है, कैसे चल सकती हैं? बल्कि उनको चलाने वाले लोगों के रूप में यहाँ पर संबोधन हुआ है कि वहां पर जो लोग हैं वो लाठियों से लड़ रहे हैं। लाठियां चल रही हैं यानी वहां पर लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी शब्द शक्ति? रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। आगे है प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति, से प्रयोजनवती भी कहा जाता है। देखिए, मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन उद्देश्य के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध होता है तो वहां प्रयोजनवादी शब्द शक्ति होती है। यानी मुहावरा नहीं है यहाँ, लेकिन आसपास का अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे यमुना पर घर है, और यमुना क्या है? नदी है। उससे पे घर कैसे हो सकता है? तो उसके आसपास का अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे? यमुना नदी के किनारे बसावट जो है वहां पर घर है, तो हमने इसका अर्थ क्या लिया? बिल्कुल पास से हमने अर्थ लिया कि यमुना पर घर है, अर्थात यमुना के किनारे पर घर है। यमुना किनारे पर घर है, क्योंकि यमुना नदी है, नदी पर घर नहीं हो सकता। उसका मन पत्थर का बना है। अब मन पत्थर का कैसे बना सकता है भाई? हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, तो वहां पत्थर कैसे हो सकता है? अर्थात निष्ठुरता का प्रतीक है, कठोरता का प्रतीक है यहाँ। ठीक है, तो उसका मन कैसा है? बहुत कठोर है, निर्दयी है। फिर पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया, चौकन्ना हो गया यानी सतर्क हो गया। वो आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा था। अब हड्डियों का ढांचा यानी बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था। उदित उदयगिरी मंच पर बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड ले लीजिए, या फिर कंपटीशन में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अलावा जो नेट जेआरएफ होता है हिंदी विषय को लेकर के, उनमें भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बालकांड का दोहा है ये, बालकांड जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा रचित, उसी का ये उदाहरण है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा है, सीता जी के स्वयंवर में जब राम जी मंच पर आते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो वहां पर कैसा वातावरण प्रतीत होता है? देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर ऐसा लग रहा है कि जो छोटा सूरज जो होता है उसे कहते हैं बाल पतंग, कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी रूपी मंच के ऊपर रघुवर रूपी बाल पतंग, रघुवर रूपी जो चंद सूर्य है, छोटा जो सूर्य होता है, मतलब उगते समय का जो सूर्य होता है, वो सूर्य विकसे संत सरोज सब, उस उगते हुए सूर्य को देख करके, राम रूपी सूर्य को देख करके
जितने भी कमल रूपी संत वहां मौजूद थे, उपस्थित थे, हर्ष लोचन भ्रंग, उन सब के नेत्र भंवरे की तरह खुश हो गए। जैसे भंवरा जो होता है कमल की पंखड़ियों पर बैठ करके उसका रस का पान करके बहुत खुश होता है, ऐसे ही जब भगवान राम का प्रवेश जब उन मंच पर होता है जिसपे धनुष रखा है, तो उन बाल रूपी सूर्य यानी बाल सूर्य रूपी रघुवर जी को देख करके जितने भी कमल रूपी कौन संत वहां उपस्थित थे, सबके नेत्र भंवरे की तरह खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आसपास का अर्थ ग्रहण किया गया है, सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, देखिए ना तो हमें अभिधा से समझ में आ रहा है ना हमें लक्षणा से समझ में आ रहा है। जब दोनों से समझ में नहीं आ रहा है तो तीसरा क्या बचता है हमारा, व्यंजना शब्द शक्ति बचती है। देखिए कहते हैं शब्द के जिस व्यापार से लोक प्रचलित या लक्ष्यार्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ क्या होता है, जैसे हम बहुव्रीहि समास में पढ़ते हैं दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऐसे ही ना तो हमें वाच्यार्थ मिल रहा है ना ही हम लक्ष्यार्थ से अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, हमें कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, मैंने आपको बताया था इसका किस चीज प्रकार से होता है। अब व्यंजना शब्द शक्ति को भी दो भागों में बांटा गया, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जब शब्द में चमत्कार होता है वो हमारी शाब्दी व्यंजना हो गई, जब शब्द के अर्थ में चमत्कार होता है, आकर्षण होता है, वो हमारी आर्थी व्यंजना हो गई। कैसे, देखिए शाब्दी व्यंजना, जब व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर निर्भर हो, जब व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर निर्भर हो, उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के बदल देने से अर्थ बदल जाता है, तो वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जब हम शब्द की जगह उसके पर्यायवाची को रख देते हैं तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है, वो वहां कौन से शब्द शक्ति होती है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे, बिहारी दास जी का दोहा है, क्यों ना सनेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के भीर। ये भी बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चिर जीवो जोरी जुरे, यहाँ पर बिहारी दास जी कृष्ण और राधा जी की जोड़ी को आशीर्वाद के प्रतीक में ये बोल रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे, हमेशा अमर रहे। कैसे, देखिए चिर जीवो जोड़ी जुड़े, कि यह जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे, क्यों ना सनेह गंभीर, और इनका जो प्रेम है वो इसी प्रकार बना रहे। को घटिए वृषभानुजा, कि इनमें से कोई भी कम नहीं है। कैसे, वृषभानुजा, वृषभानुजा का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो वृषभ धन अनुजा, अर्थात वृषभ का मतलब कौन है, वृषभ का मतलब होता है बैल, और अनुजा यानी बहन, इसके दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ यहाँ पर ये निकल के आ रहे हैं। पहला तो अर्थ होगा यहाँ पर वृषभानुजा, वृषभानु की जा यानी वृषभानु से जन्म लेने वाली कौन, राधा जी, और दूसरा अर्थ क्या होगा यहाँ पर, गाय, वृषभ की अनुजा गाय। फिर हलधर के वीर, अब हलधर भी यहाँ पर दो है, हल को धारण करने वाले कौन, एक तो बलराम जी कृष्ण के भाई, उनका हथियार क्या था, हल, और दूसरा होगा बैल। यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन यदि हम वृषभानुजा की जगह गाय का प्रतीक ले लें तो हमारा चमत्कार खत्म हो जाएगा, आकर्षण खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हलधर की जगह अगर हम बैल काम में ले लें तो भी इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, व्यंजना उत्पन्न हो किया जाता है, तो वहां पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर शब्द का पर्यायवाची नहीं रखा जाता, बल्कि शब्दों में ही यहाँ पर आकर्षण, शब्दों में ही यहाँ पर जो चमत्कार है वो पैदा किया जाता, उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो वह जोड़ी हमेशा जीवित, हमेशा चिरंजीवी रहे, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा स्नेह है, जिनमें प्रेम है, और इनमें से कोई भी कम नहीं है, ना तो वृषभानुजा कम है और ना ही हलधर के वीर अर्थात कृष्ण, ना तो उनमें कृष्ण कम है और ना ही वृषभानु जी की कन्या राधा ही कम है, तो ऐसी जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण है। कौन द्वार पर मैं हरि
अपराध है। तो बसो कानन पहाड़ पर, अब यहाँ पर जो राधा जी हैं वो महल के अंदर है, भवन के अंदर है। कान्हा जी बाहर से आते हैं, दरवाजा बंद है, कान्हा जी आके दस्तक देते हैं कृष्ण जी, और दस्तक दे के पूछते हैं, दस्तक जब होती है किवाड़ पर, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो अंदर से आवाज आती है कि कौन है द्वार पर, दरवाजे पर कौन है, तो मैं हरी राधे। यहाँ पर कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं हरी हूँ राधे। तो बसो कानन पहाड़ पर, यहाँ पर राधा उत्तर देती है कि दो बसो कानन यानी जंगल में जाकर के, पहाड़ यानी पहाड़ों पर, अर्थात यहाँ पर हरि का अर्थ क्या लिया है, यहाँ हरि का अर्थ लिया है बंदर से, जबकि हरि का अर्थ यहाँ कृष्ण ने अपने आप का संबोधन दिया है कि मैं हरि हूँ, जबकि राधा जी ने इसका क्या उत्तर लगाया है, राधा जी ने इसका क्या अर्थ लिया है बंदर से, कि यहाँ पर बंदर का क्या काम, बंदर हो तो जंगल में जाके बसो, पहाड़ों पर जाकर के बसो, यहाँ बानरों का कोई काम नहीं है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहां पर जो पानी अर्थ लिया गया है, देखिए एक दो और तीन, यहां पर तीन बार पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसका अर्थ क्या है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए, पानी को हमेशा सहेज करके रखना चाहिए। क्यों? बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब कुछ सुना है, सब कुछ सारहीन है। कैसे? पानी गए ना उबरे, कि पानी के चले जाने से उबरे मोती मानस और चून, मोती का महत्व खत्म हो जाता है, मनुष्य का महत्व खत्म हो जाता है, और चून यानी आटे का भी महत्व खत्म हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पर पानी जो है, इस पानी के तीन अर्थ है। यहाँ पर मोती में है चमक के रूप में, मोती में चमक किससे आती है? पानी से। फिर दूसरा यहाँ पर मनुष्य में है लज्जा से, शर्म से, मनुष्य का पानी मर जाना यानी उसकी जो शर्म है, लज्जा है, वो समाप्त हो जाना। फिर तीसरा है चून यानी आटा। जब तक हम आटे में पानी नहीं डालेंगे हम रोटियां नहीं खा सकते। पानी, पानी का आटे में जितना ज्यादा आप लोच देंगे, जितना ज्यादा उसमें पानी से आप गूथेंगे, जितना पानी का प्रयोग आप उस आटे को गूथने में करेंगे, उतनी ज्यादा रोटियां स्वादिष्ट बनती है, लचीली बनती है। तो वैसे ही यहाँ पर इस पानी की जगह अगर आप जल काम में ले देते हैं तो इसका चमत्कार समाप्त हो जाता है, इसकी जगह आप नीर ले लेते हैं तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर शब्द की जगह अगर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो यहाँ पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारियों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी, कवि व्याभिचारी और चोर। अर्थात पैर धरते समय चिंता होती है यानी प्रत्येक कदम को फूंक फूंक के रखना। क्यों? क्योंकि चारों ओर क्या फैला हुआ है? चितवन। चारों ओर निगाहों से, चारों ओर तिरछी नजर से लोग बाग देखते हैं, यानी बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक चारों ओर देखना। क्यों? सुवर्ण को ढूंढत फिरे, क्योंकि हर व्यक्ति सुवर्ण अच्छे वर्ण को ढूंढा करता है। यहाँ पर जो सुवर्ण है, इस सुवर्ण के भी तीन अर्थ है। देखिए कैसे, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि, कवि क्यों ढूंढता है? अच्छे शब्दों को, अच्छे वर्णों को कवि ढूंढता है, उन अच्छे वर्णों को सहेज करके वो अपनी रचना की उत्पत्ति करता है, यानी अपनी रचना को कैसे बनाता है, वो सुंदर सुंदर शब्दों को छांट करके वो अपना कविता लिखता है, अपनी रचना को लिखता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। फिर व्यभिचारी, जो व्यक्ति कामी होता है, जो व्यक्ति सुंदरता का दास होता है, वो चारों ओर सुंदरता को ही ढूंढता है। उसके मन में जो काम, जो व्यभिचार होता है, वो किसी भी सुंदर स्त्री को देख करके उत्पन्न हो जाता है। फिर चौथा है हमारा चोर के लिए, जो चोर होता है वो भी अच्छे घरों को ही अपना निशाना बनाते हैं। गरीब के घर में चोरी नहीं होती, हमेशा बड़े घरों में ही चोरी की होती है, क्योंकि चोर भी हमेशा सुवर्ण को ही ढूंढता है। तो ये थी हमारी कौन सी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। अब है हमारी आर्थीय व्यंजना शब्द शक्ति। अब तक हमने क्या पढ़ा? शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, अब है शब्द की जगह अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। कैसे? जब शब्दार्थ की व्यंजना शब्द पर निर्भर ना होकर अर्थ पर निर्भर होती है। अभी तक तो क्या था, हम अगर शब्द की जगह उसका पर्यायवाची काम में ले रहे थे तो हमारा अर्थ का अनर्थ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें उस शब्द की जगह अर्थ ही काम में लेना है। जैसे देखिए, जहां व्यंग्यार्थ किसी अर्थ विशेष पर आधारित होता है वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा चार बज गए, किसी ने कहा संध्या हो गई और सूरज डूब गया। तीनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग है। कैसे?
प्रधानाध्यापक जी ने कहा, क्या कहा कि 4 बज गए। अब 4 बज गए का अर्थ आप किस प्रकार से लगाएंगे? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि 4 बज गए, तो 4 बजे का अर्थ होगा बाई जी के लिए होगा, घंटी बजाने का टाइम हो गया। कैंटीन में जो बाई होगी वो कहेगी भाई चाय बनाने का टाइम हो गया। बच्चे होंगे उनका बैग पैक करने का टाइम हो गया। ये टीचर्स होंगे उनका घर जाने का टाइम हो गया। घर पे पेरेंट्स होंगे वो घड़ी में देख करके अपना अनुमान लगाएंगे कि भाई बच्चों को स्कूल से घर लाने का टाइम हो गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, 4 बजे का अर्थ जो है वो सबके लिए अलग अलग है। किसी ने कहा संध्या हो गई, इसका हम पहले पढ़ चुके हैं। और सूरज डूब गया से मतलब लोगों के घर आने का टाइम हो गया, पक्षियों के घर आने का टाइम हो गया, या कहीं लाइट जलाने का टाइम हो गया, दिया बत्ती का टाइम हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग अलग होता है। अब शब्दों की जगह यहाँ अर्थ का ही काम यहाँ पर लिया जा रहा है और उसी के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। जैसे देखिए, सघन कुंज छाया सुघत शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वाह यमुना के तीर। फिर स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचार, बाज पर आए पानी परी तू पच्छिन न मारे। बिहारी दास जी का रचित ये दोहा है हमारा। इसमें जो हमारे कौन थे, बिहारी दास जी ने यहाँ जो राजा जयसिंह थे हमारे उनके लिए संबोधन करते हुए कहा है कि हे राजा, कि तुम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए व्यर्थ ही श्रम कर रहे हो, क्योंकि इस श्रम का फायदा ना तो आपको मिल रहा है ना ही आपकी जाति ये लोगों को मिल रहा है। जब यहाँ पर हमारे मुसलमानों का शासन था तो मुस्लिम शासकों ने राजपूत राजाओं को अपने कंट्रोल में करके, नियंत्रण में करके, उन्हीं के समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। और वही प्रयास यहाँ राजा जयसिंह ने भी किया था, इसीलिए उनको बिहारी दास जी संबोधित करते हुए कहते हैं किसके माध्यम से, बाज के माध्यम से, कि बाज पक्षी जो होता है वो बिना किसी कारण अपने ही समाज के लोगों को, यानी अपने ही जाति के लोगों को परेशान करता है, उनको नष्ट कर देता है। इससे उसका ना तो उसका कोई फायदा हो रहा है ना ही उसकी जाति के लोगों का फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार का श्रम करने का कोई भी महत्व नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा है यहाँ पर कि तुम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो। राजा जयसिंह के लिए कहा है कि आप व्यर्थ ही श्रम कर रहे हो, क्योंकि आपका इस प्रकार अपने ही जाति के राजाओं को नुकसान पहुंचाने से फायदा किसका हो रहा है, मुगल शासक का हो रहा है। तो आपका जो ये श्रम है ये बिना किसी कारण ही व्यर्थ जा रहा है, इसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। कि तुम किसी दूसरे पराये व्यक्ति के लिए अपनी ही जाति के लोगों को मार रहे हो, ये काम अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो हमने इसका अर्थ क्या लिया, हमने इसके अर्थ के आधार पर इसको ग्रहण किया। इसका जो व्यंग्यार्थ हमने ग्रहण किया वो शब्दों के आधार पर नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर ग्रहण किया। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हुई, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हुई। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।